हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम सी लैंग्वेज के डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रोग्राम्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो देखिए सी लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं उनके लिए कुछ डेटा टाइप्स बनाए गए हैं जो कि आपके सामने है। ठीक है, दो डेटा टाइप होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। सेकेंडरी हमें बहुत बाद में चल करके पढ़ना है, अभी हमें सिर्फ प्राइमरी डेटा टाइप ही पढ़ना है। तो देखिए ये है void, void की जो साइज होती है वो 0 byte की होती है। ठीक है, और void कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, void का मतलब ही होता है नथिंग। ठीक है, इसके बाद कैरेक्टर डेटा टाइप आता है जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट सी। ठीक है, यानी जब भी आप कैरेक्टर डेटा टाइप लेंगे तो आपको लिखना होगा परसेंट सी। इसके बाद है इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, परसेंट सी जो डेटा टाइप है कैरेक्टर डेटा टाइप, इसकी साइज होती है 1 byte की। ठीक है, इसी तरह इंटीजर की साइज होती है 2 byte की या 4 byte की। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप की साइज होती है 4 byte। ओके, और डबल की जो साइज होती है वो 8 byte की होती है। तो फ्लोट के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है वो परसेंट एफ होता है, इंटीजर के लिए परसेंट डी होता है, और कैरेक्टर के लिए जो यूज होता है वो परसेंट सी होता है। ठीक है, इसी तरह डबल के लिए परसेंट एल एफ यूज होता है। तो ये हमारे पांचों डेटा टाइप हैं जो हमको अभी पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर सेकेंडरी डेटा टाइप दिया हुआ है। इसमें पहला हुआ है एरे, सेकेंड है पॉइंटर, थर्ड है स्ट्रक्चर, फिर यूनियन और इनम। ये हमको बहुत बाद में चल करके पढ़ना है। ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें इन्हीं के बारे में स्टडी करनी है। तो आइए इन्हीं पर आधारित एक प्रोग्राम हम देखते हैं जिसमें हम खुद से दो नंबर्स को एडिशन करा करके देखेंगे, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो दो नंबर्स को एडिशन करवा सकेगा। मैं यहां पे कोड ब्लॉक्स को यूज कर रहा हूं, आप चाहे तो टर्बो आईडी भी या कोई और भी कंपाइलर यूज कर सकते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखता हूं हैश इंक्लूड, ये हेडर फाइल है stdio.h, फिर यहां पे दूसरी हेडर फाइल हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, इतना लिखने के बाद नीचे आइएगा, यहां पर आप void main लिख सकते हैं, void main, void का अर्थ है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मैं यहां पे फिलहाल int main लिख देता हूं। ठीक है, हम नीचे लास्ट में रिटर्न 0 करेंगे। ठीक है, int main लिखने का यही मतलब है कि ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमको लास्ट में रिटर्न 0 लिखना होगा। ठीक है, रिटर्न 1 नहीं लिख सकते आप, आपको रिटर्न 0 ही देना होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे इंट टाइप का डेटा टाइप हमने ले लिया, तो यहां पे तीन वेरिएबल बनाए, ए में स्टोर किया 5, कॉमा बी में स्टोर किया 8, और इन दोनों का सम हम सी में स्टोर कराने वाले हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों का सम यानी कि एडिशन हम स्टोर कराएंगे, यानी कि इन दोनों का हम एडिशन स्टोर, इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो स्टोर कराएंगे सी में। ठीक है, अब यहां पर क्या करता हूं, मैं इसको डिफाइन करता हूं। ठीक है, लिखता हूं C इज इक्वल टू A प्लस बी। ठीक है, यानी कि C में A प्लस बी का जो एडिशन आएगा वो C में जाके स्टोर हो जाएगा। अब यहां पर लिखता हूं प्रिंट एफ सम ऑफ टू नंबर्स इज परसेंट डी, चूंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें क्या लेना है, इंटीजर हमने ले रखा है, तो इसी वजह से मैं यहां परसेंट डी लिख रहा हूं। ठीक है, और यहां सी में जाकर के वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, डिफाइन हमने पहले ही करा है इसको, आप देख सकते हैं। यहां पे टर्मिनेट करिएगा, टर्मिनेट करने के लिए आपको सेमी कोलन का ही उपयोग करना है। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा रिटर्न 0। ओके, हमने यूजर से एंटर नहीं करवाया है, ये पहले से वैल्यू असाइन कर दी है, ए में 5 असाइन कर दिया है, बी में 8 असाइन कर दिया है, तो इन्हीं दोनों का एडिशन ये कर करके देगा हमें। फाइल में जाएंगे, सेव फाइल पे जाएंगे, और इसको अब सेव करने की बारी, तो यहां पे कोई नाम दे देता हूं, डॉट सी लगाना बहुत जरूरी है, तो डॉट सी जरूर लगाइएगा सेव करते वक्त। ये हमने कर दिया, अब हमको क्या करना है, बिल्ड पे जाना है और कंपाइल करवाना है इसे। तो देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, अगर आप टर्बो आईडी यूज करते हो तो टर्बो आईडी में आपको Alt के साथ F9 दबाना है कंपाइल करवाने के लिए, और Control के साथ F9 दबाना है रन करने के लिए। यहां से बिल्ड पे जाइए और यहां से रन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए सम ऑफ टू नंबर्स इज 13 आ रहा है।
आइए देखिए कौन-कौन सा नंबर है, 8 है और 5 है, तो यहां पे 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13 ही आएगा। अगर यहां पे चेंजिंग हम कर देते हैं, जैसे यहां पे 5 है, 5 को मैं 15 कर देता हूं, तो भी ये एडिशन हमारा सही कैलकुलेट करके दे देगा। इसको मैं क्लोज करता हूं पहले जो प्रोग्राम रन हुआ था। अब यहां से इसको कंपाइल करवाऊंगा, ठीक है, तो यहां से मैं क्लिक करके कंपाइल करवाता हूं और फिर यहीं से रन करवा लूंगा। इसको रन करवाया तो देखिए 23 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि यह बात समझ में आई होगी कि बिना यूजर के हम कैसे एंटर करेंगे और हम इसको कैसे कंपाइल रन करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूजर से अगर करवाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पर मैं इसको हटा दूंगा। अब हमें यूजर से एंटर करवाना है, यानी कि अगला जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज करेगा वो ये बताएगा कि हम क्या यहां नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां तीन वेरिएबल हमने बना लिए ए बी सी, और यहां पर ये जो हमने डिफाइन किया इसको हटा दूंगा अभी, ठीक है, और इसको भी हम हटाएंगे, ये जो प्रिंट एफ लिखा हमने इन सबको हटा दिया हमने, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही यहां मेन फंक्शन आप बनाएंगे तो कर्ली ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ठीक है, और यहां पर डेटा टाइप आपको लिखना है ठीक कर्ली ब्रैकेट के नीचे। तो तीन वेरिएबल हमने बनाए हैं, ठीक है, तीन वेरिएबल बनाने के बाद हमें यहां पे क्या करना है, प्रिंट एफ लिखना है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर जो यूज करेगा उसको क्या मैसेज दिखाई पड़ना चाहिए, उसको ये मैसेज दिखाई पड़ना चाहिए, एंटर टू नंबर्स फॉर एडिशन, एडिशन माने होता है जोड़, ठीक है, तो दो नंबर वो एंटर करेगा एडिशन के लिए, ठीक है। यहां पर प्रिंट एफ लिखिए या स्कैन एफ लिखिए, दोनों को आप कर्ली ब्रैकेट से जरूर टर्मिनेट कीजिए, अदरवाइज एरर आएगी। अब यहां पे स्कैन एफ लिखता हूं, ठीक है, और यहां पे लिखूंगा परसेंट डी। ये दो बार क्यों लिखा, क्योंकि यहां दो नंबर्स आएंगे, जैसे पहला नंबर ए में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा नंबर बी में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में जब स्टोर होगा तो अब इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो किस में जाके स्टोर होगा, वो सी में जाके स्टोर होगा, ठीक है। तो यहां पे इसीलिए हमने लिखा परसेंट डी और एड्रेस ऑफ, यहां पे देखिए यहां पे क्या लिखना है हमें, यहां पे लिखना है एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। ये लिख देने के बाद, चूंकि हम स्कैन अप इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम यूजर से एंटर करवाना चाहते हैं, यहां पे लिखेंगे सी इज इक्वल टू, इसको डिफाइन कर रहा हूं ए प्लस बी, ठीक है, यानी जो भी यूजर ए और बी में नंबर एंटर करेगा वो दोनों सम होकर किस में जाना चाहिए, सी में। अब यहां लिखता हूं प्रिंट एफ, ठीक है, यहां लिखूंगा परसेंट डी इज द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। यहां परसेंट डी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने पहले से क्या रखा है, इंटीजर रखा है, इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंट ही होता है, और ये वैल्यू जाके सी में स्टोर हो जाएगी, तो यहां सी लिख दिया हमने, टर्मिनेट किया, और टर्मिनेशन के बाद अब इसको करना है सेव यहां से, तो ये सेव कर दिया हमने, और सेव करने के बाद यहां पे बिल्ड पे जाएंगे। इसको पहले क्या करता हूं, इसको क्लोज करता हूं यहां से। अब हम जाएंगे बिल्ड पर, ठीक है, और यहां से कंपाइल करवाएंगे इसको, तो ये कंपाइल्ड हो गया सक्सेसफुली, ठीक है, और अब हम करवाएंगे इसको रन, तो यहां से रन करवा दिया हमने, तो ये आप देख सकते हैं एंटर टू नंबर्स फॉर एडिशन लिखा हुआ आ रहा है। तो कोई नंबर एंटर करते हैं, जैसे मैं एंटर करता हूं 67, ठीक है, और 67 में मैं ऐड करूंगा 7, तो यहां पे देख सकते हैं आप कि आ रहा है 74 इज द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। इस तरीके से हम एडिशन करवा सकते हैं। चलिए एक बार और इसको कंपाइल रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको मैं डायरेक्टली रन करता हूं, 77 लिखा हमने और 99 लिखा हमने, तो इन दोनों का एडिशन 176 ये एडिशन करके दे दे रहा है, यानी दो नंबर्स का एडिशन कराने का सॉफ्टवेयर हमने बना लिया। चलिए अगर हमें मल्टीप्लिकेशन कराना हो तब क्या करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें क्या लिखना है, ये एडिशन हटा देना है, ठीक है। यहां लिख देंगे इंटर टू नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यह लिखा हमने, और एडिशन यहां से भी हटा देंगे और यहां लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन, ओके, और यहां से भी जो डिफाइन किया हमने इसमें बीच में आप इंटू का निशान लगा दीजिए, इंटू यानी शिफ्ट दबा करके अल्फा न्यूमेरिक बटन 8 को प्रेस कीजिए, आपको 8 नंबर बटन शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, ठीक है, तो ये इंटू हो जाएगा, और यहां पर हमें इसको करना है सेव, तो इसको सेव भी कर लेते हैं, फाइल को सेव किया हमने। अब हमें क्या करना है, इसको क्लोज करके और यहां से पहले इसको कंपाइल करवाता हूं, तो ये देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको रन करवा देता हूं यहां से, देखिए ये कह रहा है एंटर टू नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो चलिए यहां दो नंबर एंटर करते हैं, 7
7, तो 7 7 जब 49 होता है आपको पता है, तो यहां पे देखिए ये 49 आ रहा है, ठीक है। अगर हम कोई और भी नंबर लेना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, यहां से जाएंगे हम इसको रन करवाते हैं डायरेक्टली। अब मैं करता हूं 12 3 तो यहां पे देखिए 36 आ रहा है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लोज करता हूं इसको। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबट्रैक्शन करवाना है, तो आप यहां पे सिंपली क्या करिए, लिख दीजिए सबट्रैक्शन, ओके, काम बहुत ही आसान हो गया। यहां पे सिंपली लिख दीजिए सबट्रैक्शन। ये वीडियो मैं अंबुजेश्वर पाठक हमारे स्टूडेंट हैं उनकी रिक्वेस्ट पे बना रहा हूं, ठीक है। ये मुझे पता है कि बहुत ही ज्यादा बेसिक सी बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है, तो उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। तो यहां लिखता हूं सबट्रैक्शन, ओके। और अब सबट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, यहां पे इनटू हटा देंगे और यहां पे कर देंगे माइनस, ठीक है। ये माइनस कर दिया हमने, अब इसको सेव करिए, ठीक ठीक है। अब इसको यहां से रन करने की बारी, तो यहां पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है एंटर टू नंबर्स फॉर सबट्रैक्शन। अगर मान लीजिए हम 5 में से 4 को माइनस करना चाहते हैं तो आंसर 1 आएगा, तो देखिए यहां आंसर 1 आ रहा है, नो प्रॉब्लम। चलिए इसी प्रोग्राम को दोबारा से एक बार रन करते हैं। यहां से रन किया हमने, 88 में से हमें 10 माइनस करना है, तो यहां पे देखिए आंसर आ रहा है 78। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहां डिवीजन कराना है, तो देखिए यहां पे इंटीजर डेटा टाइप लिया है हमने। इंटीजर का मतलब आप समझते हैं, अगर नहीं समझते हैं तो मैं फिर बता देता हूं, ये प्लस में वैल्यू होगी इंटीजर वाली या तो माइनस में होगी, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगी, या तो प्लस में वैल्यू कंटेन करेगा ये या तो माइनस में करेगा, पॉइंट में नहीं कर सकता। तो जब भी आप डिवीजन कराएंगे, तो अगर सपोज कीजिए मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं, यहां पे सबट्रैक्शन की जगह आप सिर्फ डिवीजन कर दीजिए, डिवीजन, ओके, और यहां पे भी डिवीजन कर देना है, ओके, ये डिवीजन कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन इसका कराएंगे और यहां पर जो माइनस किया था हमने इसको अपॉन का साइन लगा देंगे, डिवाइड का साइन लगा देंगे। अब इसको सेव करेंगे, इसको सेव किया हमने, ठीक है। अब इसको पहले हम कंपाइल करवाते हैं, तो इसको पहले क्लोज करता हूं, यहां पे पहला वाला प्रोग्राम ओपन है। अब यहां से कंपाइल करवाया तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से रन करवाते हैं, ठीक है। अब रन करवाने पर ये आ गया डिवीजन के लिए, ठीक है। तो 6 को डिवाइड करता हूं 2 से, तो 6 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। तो देखिए यहां 3 आंसर आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आप 5 को डिवाइड करेंगे 2 से। देखिए यहां पे रन करवाता हूं, जैसे 5 को डिवाइड करूंगा 2 से तो आंसर आएगा इसका 2, देखिए। तो देखिए आंसर आ रहा है 2, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप हमने लिया है, ठीक है। और जैसे ही हम फ्लोट की बात करेंगे, यहां पे फ्लोट लिखेंगे ना, हमारा काम हो जाएगा और हम पूरा पूरा इसको डिवाइड कर पाएंगे। तो यहां हमने लिखा फ्लोट, तो यहां फ्लोट डेटा टाइप ले लिया है हमने, और यहां पर अब हमें देना होगा परसेंट डी की जगह परसेंट एफ, ठीक है। जैसे ही हम फ्लोट डेटा टाइप यूज करना शुरू करेंगे तो परसेंट एफ देंगे, परसेंट डी नहीं देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर भी कर देंगे हम परसेंट डी की जगह परसेंट एफ, ओके। तो इतना कर लेने के बाद अब इसको सेव करते हैं, सेव किया हमने और ये पुराना प्रोग्राम जो चल रहा था इसको क्लोज किया, और अब यहां से इसको बिल्ट एंड रन करवाता हूं मैं। तो अब यहां पे आ रहा है डिवीजन, अब यहां 5 को डिवाइड करवाता हूं 2 से, तो यहां पे देख सकते हैं आप आंसर आ रहा है 2.50, ठीक है। तो यानी फ्लोट डेटा टाइप लेंगे तब ये पॉइंट में आंसर देगा, अदरवाइज ये पॉइंट में आंसर नहीं देगा, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी अंबुजेश्वर पाठक जी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।